कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा बच्चा, दो बच्चे बच्चे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे, कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, हैं? वोट नहीं होगा। बनी सबसे पहले नारा ये था, देखो मैं बताऊं, जब मैं तो बहुत छोटा था उस समय, आपको आपको बताऊं, हमारे जो सदर है ओवैसी साहब, वो डराते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह से डरो। और जब इनकी स्पीच शुरू होती है सपा बसपा कांग्रेस वालों की, ये डराते भाजपा से, इंसानों से। पहले तो यही फर्क कर लीजिए। अच्छा हम लोग मुसलमान कौम है ना, बहुत ईमान से भी नीचे चली गई है हर तरीके से। हमारे इस्लाम में लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, अगर लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा बच्चा, दो बच्चे बच्चे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे, कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, हैं? वोट नहीं होगा। दलितों को डराया जा रहा कि बच्चे बंद करो, मुसलमानों को डराया जा रहा बच्चे बंद करो, क्यों करें बच्चे बंद? भाई ये हमारी शरीयत के खिलाफ है बच्चे तो। अब क्या है देवर, जो रिश्ता हमारा, जो पर्दा करना चाहिए हमारी महिलाओं को, हमारी औरतों को। दरअसल हम लोग कहीं बैठे थे और इस्लामिक चर्चा हो रही थी, इस्लाम की बातें हो रही थी, तो उसमें पर्सनल एक वो था कि 10-20 लोग बैठे थे, तो उसमें फिर एक चर्चा चली थी कि भाई हम लोग दीन का काम कैसा चल रहा है और किन हालातों में चल रहा है। तो उस पे मैं अपनी राय रख रहा था, बता रहा था कि भाई देखिए देश के लिए कुर्बानी मुसलमानों ने और हमारे उलेमाओं ने बहुत दी हैं, हैं? और कोई सी भी आज़ादी के बाद जंग रही हो उसके लिए भी कुर्बानी बहुत दी है। तो हमें कहीं से हर जगह नेगलेक्ट किया जाता है, जितनी हमारी हिस्सेदारी कुर्बानी में रही है तो उतनी भागीदारी हमारी पैदावार में नहीं रही है। तो वो चीज़ चली हुई थी कि भाई हर आदमी चाहता, मेरा पर्सनल व्यू थे कि भाई मेरे सदर ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बने, तो कैसे, इस तरीके की चर्चा चली हुई थी और कोई उसमें गलत बयानबाजी भी नहीं थी, नॉन पॉलिटिकल था, कोई मंच से नहीं था, एक प्रोग्राम था छोटा सा, उसमें बैठे हुए बात कर रहे थे। तो यही चीज थी। इस तरह से सरकार ने कहा है कि बच्चों से ज्यादा उम्मीद और आशा और अन्य समुदाय नहीं मिलेगी, वहीं आप बयान कर रहे हैं कि आप बच्चे भूख पैदा करें और उसी को बताए। देखिए अब कहने के लिए तो बहुत कुछ है, सारी चीजें। अब साक्षी महाराज जी कहते हैं कि बच्चे पैदा करो, हैं, ज्यादा पैदा करो और एक शंखु भी दो। तो हम ये नहीं कहते कि भाई किसी पॉलिटिकल उससे दो बच्चे, लेकिन हाँ हम ये चाहते हैं कि भाई देखिए आज़ादी के लिए अगर देश को हमारी ज़रूरत पड़े उसके लिए बच्चे होना भी ज़रूरी है। और खाने के लिए तो ये है, मैंने ये भी कहा था कि देखिए ऊपर वाला अल्लाह ताला है खिलाने वाला, हैं? आप क्यों डरते हो किसी से, भाजपा से क्यों डरते हो, हैं? मेरा सदर अल्लाह से डराता है। ये लोग जो सेकुलर नाम निहत पार्टियाँ हैं वो इंसानों से, मोदी से, भाजपा से डराती हैं, तो क्यों? इन हम में और इन लोगों में यही फ़र्क है कि हम लोग अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है और इसके सिवा कोई नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।